गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज डिम्पल। टूडे आई विल टीच यू चैप्टर 8 मोशन। हम ये चैप्टर पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं और ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिए हैं और एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने किया था मोशन क्या होती है। मोशन क्या होती है कि चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि जैसे जैसे चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे कि ये पेन है, यहां पे है, तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, जैसे कि ये पहले यहां पे था, अब यहां पे आ गया और अपनी पोजीशन इसने चेंज कर ली, यहां से ये यहां पे आ गया, तो इसको हम मोशन कहते हैं। कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। और रेस्ट का क्या मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, जैसे कि ये पेन है, अब ये रेस्ट में है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम रेस्ट में कहते हैं। और एक मैंने बताया था रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, कि जब हमने किसी का कोई एड्रेस बताना है, जैसे कि हमने बताना है कि हमारे स्कूल का ही हमने एड्रेस बताना है, तो हम अपने बताएंगे कि कुछ हम कोई एक टारगेट ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं कि आपको ये इस चीज का पता है। जैसे कि आप कह दो कि आपको ये करियाना शॉप पता है, उससे मेरा स्कूल जो है इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर है, तो हमें किसी चीज को टारगेट लेके चलते हैं, उसको हम रेफरेंस प्वाइंट कहते हैं। इसी तरह जो रेफरेंस प्वाइंट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हम बस में बैठे हुए हैं, बस में कुछ ट्रेवल कर रहे हैं कुछ पैसेंजर्स और हम भी हैं, तो इसका मतलब जब हम बस में हैं तो दूसरे पैसेंजर्स और हम जो हैं, अगर हम देखें कि हम दूसरे पैसेंजर्स के रेफरेंस पॉइंट, अगर दूसरे पैसेंजर्स को हम लेते हैं, उनके विद रिस्पेक्ट टू हम रेस्ट में हैं। लेकिन कोई पर्सन अगर हमें बाहर से देख रहा है, बस में हम मूव कर रहे हैं, कोई हमें बाहर से देख रहा है, तो अगर हम उसको रेफरेंस पॉइंट लेके चलें तो उसके अकॉर्डिंग हम मोशन में हैं। तो जो मोशन और रेस्ट है वो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ठीक है, ये यहां पर रेस्ट में है, इसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है कि ये यहां पर है, ठीक है, ये बुक पे पड़ा है जो जैसे भी है, ये रेस्ट में है। लेकिन अगर हम इसको सन को रेफरेंस पॉइंट में ले, तो जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो ये पेन भी रिवॉल्व कर रहा है। तो इस तरह से रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग रेस्ट और मोशन चेंज होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है कि जैसे कि हमने ये पॉइंट, ये एक मैंने अलमीरा की एग्जांपल ली थी कि ये एक अलमीरा है, हम यहां पे पहले पड़ी हुई थी, फिर हमने उसको यहां से उठाकर यहां पे रख दिया, फिर यहां से उठाकर यहां पे रख दिया, फिर यहां से उठाकर यहां पे रख दिया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर हमने इसको उठाकर फिर यहां पे रख दिया, तो इस अलमीरा ने पहले इधर गई ये डिस्टेंस, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, तो ये सारा इसने डिस्टेंस कवर किया है। ये डिस्टेंस होता है जो टोटल लेंथ होती है, टोटल लेंथ जो है वो डिस्टेंस है। और एक था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जैसे कि अब हमने अलमीरा को पहले उठाकर इधर रखा, फिर इधर रखा, फिर इधर रखा, फिर वापिस यहीं पर रख दिया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जगह बदलना। हमने अलमीरा को उठाया, इधर रखा, इधर रखा, लेकिन फाइनल हमने उसको वहीं पे जाके रख दिया, तो इसका मतलब इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और अगर मान लो यहां से हमने अलमीरा को इधर रखा है, तो फिर पहले इधर रखा, फिर इधर रख दिया, तो हमने अलमीरा की फाइनल पोजीशन क्या है, ये वाली, तो हमने डिस्टेंस ये होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब जो हमने अलमीरा को यहां पे लाए हैं, हमने यहां से उसकी पोजीशन चेंज करके यहां ले आए, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्टेंस देखें तो ये, और ये डिस्टेंस जो होता है वो टोटल लेंथ होती है। तो उसके बाद आ जाएगा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकेंड, 5 मीटर मोर इन द नेक्स्ट सेकेंड, 5 मीटर इन द थर्ड सेकेंड एंड 5 मीटर इन द फोर्थ सेकेंड। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर 5 मीटर इन ईच सेकेंड। तो यूनिफॉर्म मोशन होती है जब हम हर एक सेकेंड में वो कितना ट्रेवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल कर रहा है, 5 मीटर, मतलब फर्स्ट सेकेंड में भी 5 मीटर किया, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड में भी, तो मतलब इक्वल इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर वो क्या करे, एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। इन आर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशंस वेयर ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट और अ पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क, दीज आर सम इंस्टेंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, जैसे कि हमने यहां पर एग्जाम्पल ली थी, फर्स्ट सेकेंड में उसने 5 मीटर कवर किया, अगर नेक्स्ट सेकंड में वो 6 मीटर कवर करता है या 10 मीटर कवर करता है, मतलब टाइम सेम रहे,
लेकिन डिस्टेंस उसका जो है वो चेंज हो गया, तो इस तरह की मोशन को अनइक्वल मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। समझ आ गया यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है कि जब हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर किया, फिर नेक्स्ट सेकंड में भी हमने 5 कर लिया, फिर तो ये इक्वल डिस्टेंस हो गया, इक्वल टाइम हो गया। लेकिन जब टाइम इक्वल हो डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए, मतलब डिस्टेंस हम जो है वो पहले 5 मीटर कवर कर रहे हैं, फिर 7 कर रहे हैं, फिर 8 कर रहे हैं, तो टाइम वही है तो डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल हो गया, तो इस तरह की मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल्स पढ़ी है कार मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट, कि पहले कार स्पीड से आ रही थी, फिर नेक्स्ट सेकंड में वहां पे क्राउड है, भीड़ है, बहुत ज्यादा रश है, तो उसकी स्पीड कम होगी, तो ये अनइक्वल जो है हो गया डिस्टेंस कवर, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। तो ये है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी दी जाती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी फॉर एग्जांपल टाइम की एग्जांपल जैसे मैंने दी थी कि टाइम, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि कितना टाइम हो गया, तो आप बोलोगे जैसे कि 12 o'clock हो गया, 12 o'clock टाइम। ठीक है, इस टाइम 12 o'clock हुए हैं, तो ये है इसकी वैल्यू टाइम की, ये मैग्नीट्यूड है 12। ठीक है, लेकिन हमें टाइम बताने के लिए ये नहीं बताना पड़ता कि किस डायरेक्शन में टाइम 12 o'clock हुआ है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, जैसे कि फोर्स है। जैसे फोर्स क्या होती है, पुश और पुल। जैसे कि ये पेन है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये मूव करना शुरू हो गया, तो मैं बोलूंगी कि मैंने इसके ऊपर 4 newton फोर्स लगाई है। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, लेकिन हमें फोर्स में डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। जैसे मैं बोलूं कि मैंने पेन के ऊपर फोर्स लगाई है, मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैंने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, इस डायरेक्शन में लगाई है, इस डायरेक्शन में लगाई है, या इधर से लगाई है। तो फोर्स को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है और डायरेक्शन भी, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस जो है टोटल लेंथ हो जाती है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट, फिर से मैं बता रही हूं कि एक ऑब्जेक्ट पहले ओ से ए पे गया, फिर ए से बी पे गया, फिर बी से ए पे आया, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ए, मतलब टोटल लेंथ जो है वो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो मतलब कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, रेफरेंस पॉइंट, ये सारे क्लियर हो गए। उसके बाद आ गया एक्सेलरेशन, जिसको हम स्मॉल ए के साथ लिखते हैं। तो अभी पहले आपको यू एंड वी के बारे में पता होना चाहिए। यू क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। जैसे कि मान लो एक कार जो है, पहले उसकी वेलोसिटी जो थी 5 meter per second है, ठीक है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 7 meter per second। तो पहले इनिशियल मतलब जो पहले कितनी वेलोसिटी थी उसको यू कहते हैं, बाद में फाइनल क्या है वो वी होती है। जैसे कि मान लो पहले कोई कार जो है वो रेस्ट में है, खड़ी हुई है, तो उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0 है, उसके बाद वो 7 meter per second की स्पीड से चलना शुरू कर देती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ये है। तो यू और वी क्लियर होगी। और नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आपको ये टर्म्स क्लियर हो गए। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट लेंथ। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, रेस्ट, मोशन, रेफरेंस पॉइंट क्या होते हैं। अब आपने कुछ फार्मूले लिखने हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ये फार्मूले आप नोट करो, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ये फार्मूले नोट कर लो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे s क्या है, डिस्टेंस, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, s डिस्टेंस, t टाइम।
तो ये तीनों फार्मूले हैं जो हमने इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करने हैं उसमें ये यूज होंगे, ये नोट डाउन कर लो ये तीनों फार्मूले। अब इसी के बेस पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता रही हूँ, पहले ये आप नोट डाउन कर लो, फिर इसी के बेस पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। और हमने जो भी अब न्यूमेरिकल्स मैंने आपको एक्सप्लेन करने हैं उनमें हम ये वाले फार्मूला यूज करेंगे। आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा और कैसे करना है, तो हम एक एक करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये तीनों आप नोट डाउन करो। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल, जैसे कि अब मेरे पास है न्यूमेरिकल, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने देखना है कि जहां पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है वो एक्सलरेशन है, तो हमें पहले, और व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को आप देखो, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो कैसे करना है, हमने पहले तो इस स्टेटमेंट को समझो कि एक कार है जिसकी एक्सलरेशन जो है 4 मीटर पर सेकेंड है। एक्सलरेशन को हम कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था स्मॉल ए के साथ। तो इसमें हमें क्या चीज गिवन है, स्मॉल ए गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, तो इसमें हमने निकालना क्या है, डिस्टेंस एस, डिस्टेंस निकालना है। 10 सेकेंड क्या दिया हुआ है हमें, टाइम, ठीक है। और उसने ये बोला है कि बताओ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी आफ्टर स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट का मतलब स्टार्ट होने के बाद, तो इसका मतलब स्टार्ट, पहले जो रेसिंग कार है वो खड़ी हुई है, रेस्ट में है, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि पहले वो स्टार्ट नहीं हुई है, बाद में स्टार्ट हुई है, तो पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी यू, कितना हो गया 0। तो अब हमने यहां पे कौन सा फार्मूला यूज करना है, अब आप देखोगे इसमें एक्सेलरेशन दी हुई है, एस निकालना है, टी गिवन है, यू गिवन है, ठीक है। तो आप, मैंने जो आपको फार्मूले बताए इसमें से आप देखोगे कौन सा फार्मूला यूज होगा, हमारे पास ए है, एस है, टी है, यू है, ठीक है। तो अब इसमें एस गिवन है, तो इसका मतलब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करें कि ये वाला, क्योंकि अगर ये वाला करते हैं तो इसमें टी नहीं है, तो इसमें एस भी है, टी भी है, तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो ये फार्मूला यूज करके हमने डिस्टेंस निकालना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस। यू कितना दिया हुआ है, 0, टाइम कितना है हमारे पास, 10, वैल्यू पुट करेंगे, हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है 4, टाइम कितना है 10 स्क्वायर, तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया 0, ये कटिंग होगी, तो ये आ गया 10 का स्क्वायर है, तो 10 का 100 हो गया, 0 प्लस 200, तो ये आ गया हमारे पास 200 मीटर, तो डिस्टेंस आ गया 200 मीटर। तो इसी तरह से अब हम ये न्यूमेरिकल जो है इसके चैप्टर के सॉल्व करेंगे, और फिर आगे जो भी इसके टॉपिक्स होंगे वो डिस्कस करेंगे हम। तो एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने ये तीनों फार्मूले नोट करने हैं, और जितने भी अभी न्यूमेरिकल्स मैं पहले करवाऊंगी वो इसी के बेस पे होंगे। और ये न्यूमेरिकल एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो रेसिंग कार पहले खड़ी हुई है, रेस्ट में है, चल नहीं रही, उसकी एक्सेलरेशन दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, एंड व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, डिस्टेंस निकालना है, तो ए गिवन है, एस निकालना है, टी दिया हुआ है, यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एस का एस यू इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर फार्मूला लगा के वैल्यूज पुट करके हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा 200 मीटर।